बैंकिंग कोर्ट्स के नाम से मशहूर फेडरल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल बिल्डिंग में चार बैंकिंग कोर्ट्स, कस्टम एंड एंटी स्मगलिंग कोर्ट, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट, स्पेशल जज सेंट्रल एफआईए कोर्ट समेत 16 अदालतें और इनलैंड रेवेन्यू एपीलेट ट्रिब्यूनल्स कायम हैं। पंजाब भर से रोजाना सैकड़ों वकला और साइलीन इन अदालतों में पेश होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम इतने नाकस हैं कि कोई भी गाड़ी या अजनबी शख्स बिला चेकिंग जजेस के चैम्बर्स तक जा सकता है। तमाम गेट्स जो हैं बिल्कुल ओपन है, छोटी छोटी दीवारें हैं, कोई भी अंदर आ सकता है, दहशतगर्द और कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक वॉर्न कर दिया कि हमने काले कोड खरीद लिए और हम वकला को मारेंगे, जजेस को मारेंगे। इस अहम रसास इमारत में आज तक किसी को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का ख्याल तक नहीं आया। यहाँ ना कोई लेडी कांस्टेबल तैनात है और ना ही वॉक थ्रू गेट नस्ब है। पार्किंग न होने की वजह से शहरी जहाँ दिल चाहता है अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। बैंकिंग कोर्ट्स के एडमिन जज मोहम्मद खालिद नवाज सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतअद्दिद मरासले भिजवा चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। कोई लेडी कांस्टेबल है ना, वॉक थ्रू गेट है ना, कैमरे हैं, ये तमाम चीज़ों की असल जरूरत है। अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बावजूद एसपी सिक्योरिटी समेत किसी ने भी यहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किया। कैमरामैन अदनान अली के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।